तो आज का व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है और इस पाँच दिनों में कुछ पाँच दिनों आई थिंक महीनों में व्लॉग नहीं बनाया, तो उसके बाद आ रहा है व्लॉग। इस टाइम फेज में बहुत चेंजेस आए जो कि धीरे धीरे चल के आगे बताऊंगा। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से दिवाली से फिर व्लॉग वापस स्टार्ट किया जाए। तो अभी जस्ट आधे घंटे पहले सो के उठे हैं और अभी जस्ट कुछ खाने लगे हैं। तो अभी हमारे पास है ब्रेड रोल और साथ में भी चाय भी आ रही है, इसलिए बिस्कुट यहाँ पे रखे पड़े। हमारे साथ जतिन और पापा। तो इस दिवाली पे यानी मतलब दिवाली से दो दिन पहले हम लोगों ने दो चीज़ें न्यू ली हैं। एक तो ये मम्मा के लिए फ़ोन रियलमी 8 5G और एक तो ये जतिन के लिए फ़ोन रियलमी GT मास्टर एडिशन 5G। तो ये दोनों भी ओपन है, मतलब ये जो जतिन के फ़ोन से वीडियो बन रही है मम्मा का फ़ोन सामने पड़ा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कि जतिन को फ़ोन की लोड थी, जतिन ने फ़ोन ले लिया। मम्मा का पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था तो फिर हमने कहा ठीक कराने की बजाय नया फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि मम्मा काफ़ी 2-3 साल हो गए थे फ़ोन को। तो जतिन की ज़िंदगी का पहला फ़ोन रियलमी GT मास्टर एडिशन। तो ये मम्मा का ये नया फ़ोन है रियलमी 8 5G। तो मम्मा नया फ़ोन आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। कैमरा कोमरा सब बढ़िया? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मा पार्टी में गए थे, वहाँ पर मम्मा की फ्रेंड बोलते कि ये आईफोन है क्या आपके पास, है ना? अच्छा कैमरा, कितना अच्छा कैमरे की वजह से फोटो अच्छी आएगी, फिल्टर एक्स्ट्रा फिल्टर एक्स्ट्रा सब कुछ, नए नए फोन 5G फोन, वो भी ये देखो 5G। और जिन तेरा फोन का डब्बा कहाँ है? ये जतिन के फ़ोन का डब्बा थोड़ा बड़ा है रियलमी GT मास्टर एडिशन। तो इन दोनों फ़ोन में कवर थे, चार्जर था, फ़ोन था, है ना? तो ये है जतिन का फ़ोन रियलमी GT मास्टर एडिशन, जो कि इसने ग्रे रंग का लिया है क्योंकि बाकी रंग में ना ये जो होते हैं लेदर लाइन ये नहीं थी, इसी रंग में थी, तो इसलिए इसने ये रंग लिया है। और जिन कैसा कर रहे थे को फ़ोन? बढ़िया है, कैमरा कोमरा सब सेटिस्फाइड बढ़िया तरीके से। अब मेरा फ़ोन तो यूज़ नहीं करेगा, कम से कम वो मेरा फ़ोन जो है वो तो बचा। तो अभी हम लोग बाहर आए हैं, देखो छोटू सा हमको फ्रेंड मिला है, बहुत ही छोटा है, सिद्धू से ही है, पता नहीं इसके भाई बहन है कि नहीं है आसपास। तो ये देखो कितना छोटा सा है, तुम्हारे पास बिस्किट्स तो है, पता नहीं बिस्किट्स खाएगा नहीं खाएगा, नहीं खा पाएगा, बहुत छोटा है। देखो कितना छोटा सा है। तो हम सोचते थे वहाँ पर जो एक डॉग है उसको खिलाते जाते हैं बिस्कुट, तो वही दिवाली पे बाहर आए थे डॉग। छोटू सा लाइट वेट पप्पी, इसकी मम्मी नहीं मिल रही है आसपास कहीं पे भी, इसकी मम्मी भी आसपास ही होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक कुत्ता था ना वो ब्लैकी था, वो हमारे घर के बाहर ही बैठता था लेकिन अब वो कहीं और चला गया है, तो हम उसको वहाँ बिस्किट्स खिलाने जा रहे हैं। तो वो बस वो सामने गली में ही रहता है। तो ये बैठा देखो ब्लैकी, ये बैठा ब्लैकी, आजा आजा खा ले, खा नहीं रहा ये ना डॉग हमारे। ये जो डॉग है ये मतलब किसी का पालतू है हमारे घर के बाहर ना, मतलब 1 साल तक था, तो हम इसको रोज़ खाना वगैरह देते थे, और फिर अभी चला गया किसी और के घर के बाहर आ गया, तो हम इसको फिर खाना देने आ गए यहाँ पे। सो अभी जस्ट उसको खाना दे के गोइंग बैक टू होम। आज हमें दो पप्पी मिले, एक तो छोटा सा पप्पी और एक ये अपना बड़ा ब्लैकी। तो अभी हम लोग मैं तैयार हो चुका हूँ दिवाली के आउटफिट में, ट्रेडिशनल आउटफिट में। तो अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं बाहर, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉप में, और हम लोग अपनी इसमें नहीं बार एक्टिव है उस पर जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम में रश बहुत है, और अगर हम ये लेके चले गए तो फिर हम अगली दिवाली में वापस आएंगे, तो इसलिए हम एक्टिवा पे जा रहे हैं अभी के लिए। ये जलंधर की सबसे फेवरेट सबसे मोस्ट फेमस शॉप है, मतलब सबसे जलंधर की सबसे बड़ी स्वीट्स की दुकान ये है, लवली स्वीट्स।
तो अभी मैं और मम्मा ये बाहर से मिठाई के सामान ले आए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। व्लॉग तो छोड़ो, चलने का ही वहाँ हो रहा था क्योंकि बहुत फेमस शॉप है ना, तो इट्स लाइक आप मिठाइयाँ देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो कैसे भी करके मैं और मम्मा जाके मिठाई ले आए वहाँ से और अभी घर आए हैं। और हम थोड़ी देर बाद अभी तो फैमिली वाले से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल आई पड़ी है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे और फिर उस घर में पूजा करेंगे। ये हमारी दिवाली की सारे बॉक्सेस वगैरह आए पड़े हैं, इसमें सब तीनों में ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने। मैं जितिन मम्मा पापा सब लोग जा रहे हैं, तो हमारे गुरुद्वारे घर के पास ही है, तो हम सब लोग बस पैदल पैदल जाएंगे और 15-20 मिनट तक आ जाएंगे गुरुद्वारे से। हाँ तो अभी हम लोग बाहर दिए जलाने जा रहे हैं। ये हमारे डॉग, ये पटाखों से आज डरते रहेंगे पूरा दिन। ये बोल तो अभी हम जो सब लोग बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो बस अब ये तैयारी करने के बाद हम बस थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट कर देंगे। हमारे साथ जतिन पापा मम्मा भूरी मैं और बस कालू को भी लेके आ रहे हैं। ये देखो ये भी आ गया, हम 6 लोग करेंगे पूजा। लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता, तो अभी हम लोगों ने पूजा कर ली हुई है और खाना भी खा लिया रात का। तो इस वजह से हम इतने पटाखे नहीं फोड़ रहे, लेकिन वो होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा हॉट एयर बलून या पता नहीं क्या बोलते हैं जिसको आग लगाते वो ऊपर उठ जाता है, तो मैं और जितिन वो लेके आए थे। एक तो अभी हम छत पर जा रहे हैं। और हाँ, पटाखों की आवाज़ है ना, मतलब हम तो नहीं फोड़ रहे लेकिन फिर भी बाहर से आवाज़ आ रही है। तो ये भूरी अब वो कालू ये बहुत डरे पड़े हैं, कोई पटाखा फूटते हैं डर से जाते हैं। तो आज ये यहीं पे मैंने बिल्कुल बेड के पास ही बिठा लिया हुआ इनको, डरते हैं ना। तो अभी हमने ये जला दिया हुआ है, तो होपफुली ये ना बहुत चांसेस होते हैं कि उड़ता नहीं फुस जाता है, तो बस हमारी ये प्रिय है कि ये जल ना जाए और ये सक्सेसफुली उड़ जाए। ये ऊपर ही नहीं जा रहा, नीचे आई जा रहा है। मिशन अनसक्सेसफुल, ये उड़ा ही नहीं हमसे। और इसी के साथ हैप्पी दिवाली।